ए नीलगिरी नित्य सम तेणु श्रीकृष्ण नित्य धाम। ए नीलगिरी नित्य दुई अभिन्न अभेद अटई। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आज का नया एपिसोड आरंभ करते हैं। ए नीलगिरी नित्य सम तेणु श्रीकृष्ण नित्य धाम। ए नीलगिरी नित्य दुई अभिन्न अभेद अटई। अर्थ, एक नित्य स्थल के बारे में इधर कहा गया है, ये नित्य स्थान कहाँ पे है, ये नित्य धाम कहाँ पे है, नीलगिरी में, ये नीलगिरी कहाँ पे है। दोस्तों, पूरी के सिख क्षेत्र को नीलगिरी कहा जाता है। दोस्तों, ये किसकी वाणी है? ये स्वयं श्री कृष्ण जी महाभारत के दौरान अर्जुन अर्थ पात को ज्ञान दे रहे हैं। जी हाँ, ये जो चीज़ें हैं, ये जिस ग्रंथ में लिखा है, वो भी एक महागुप्त ग्रंथ है। और उसमें जो गीता का ज्ञान है, वो साधारण जो कॉमन पब्लिश्ड एडिशन है गीता का, उसमें नहीं है। इसीलिए ध्यान से सुनिए। गोपो मथुरा द्वारावती श्री कृष्ण अयोध्यार पति एमाने नित्य स्थलु जात अभिन्न न कर हो पाथ। अर्थ, गोपपुर का लीला, मथुरा का लीला, अयोध्या का लीला, ये सब एक ही स्थान से उत्पत्ति होता है और इनको अलग अलग मत सोचना। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, ए सर्व नित्यरु निर्माण श्री कृष्ण त्रिड़ा रस स्थान, तू एहा संशय न कर नित्यर जेमंत बिहार, सही रूपरे निराकार श्री नीलगिरी रे बिहार। अर्थ, ये जितने भी लीला मानव देखते हैं, ये सब एक ही नित्य धाम से ही उत्पत्ति होता है, अर्थ निर्माण होता है। श्री कृष्ण हो जाए, श्री राम हो जाए, जो भी हो जाए, जितने भी अवतार आए, सब इस नित्य धाम से ही निर्माण किए जाते हैं। और ये नित्य धाम कहाँ पे है? श्री क्षेत्र पुरी में। यहाँ पे कौन है? स्वयं निराकार, सही रूपरे निराकार श्री नीलगिरी रे बिहार श्री जगन्नाथ। ये ग्रंथ का नाम क्या है? आप तो सोच रहे होंगे, ये जो ज्ञान लिखा है, ये ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है गुप्त गीता। और ये जो सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है वेदांत सार। और ये श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं। अध्याय सप्तम अर्थ सेवेंथ चैप्टर। अभी श्री कृष्ण जी खुद पाथ अर्थ अर्जुन को कह रहे हैं, निराकार नित्य धाम इसका मतलब एक ही है, और वो है स्वयं जगन्नाथ। इनसे ही सब उत्पत्ति होता है, सब निर्माण होता है। पुनः 18 और 31 अध्याय अर्थ 18 and 31 अध्याय में कहते हैं, कहू अच्छि चैतन सुणरे मनाई क्षीर सिंधु मध्य देख कल्पवट जाई। हे अर्जुन, सुन, कल्पवट जो है, जो बैनियन ट्री है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है, जो हर युग में प्रमाण के तौर पे अवस्थित है, जहाँ पे स्वयं मैं खुद वास करता हूँ। आगे वर्णना करते हुए कहते हैं, गुप्त होइछि महानित्य जही ठाई घन घन होई निदमाड़ई से ठाई। अर्थ, गुप्त में जो महानित्य स्थान है, जो महाधाम है, जो नित्य धाम है, वो गुप्त रूप से यही कल्पवट पे अवस्थित है। इसी कल्पवट पे मैं शयन करता हूँ, निद्रा करता हूँ। कब? जब प्रलय आता है। आगे वर्णना करते हुए कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रे हेज चारि द्वारे आबरी रहिचि चारि वेद। अर्थ,
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चार द्वारों में तुम देखो चार वेदों को रखा है मैंने। जी हाँ, पुरी के क्षेत्र में अगर आप आते हो, पुरी के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले हर एक चीज में, हर एक ऐतिहासिक चीज में नजर डालना और उसका इतिहास जानने की चेष्टा करना, क्योंकि सृष्टि का आरंभ जब हुआ था सतयुग में, तभी से यह मंदिर यही पे अवस्थित है। तो अगर आप इसके इतिहास के बारे में जानोगे तो अपने धर्म और संस्कृति के बारे में जानोगे। आगे श्री कृष्ण जी वर्णना करते हुए कहते हैं, छामु दर्शन को बाट पड़ी सधीरे जगन्नाथ महाप्रभु सिंहासन परे, अर्थ विश्व का कर्ता लॉर्ड जगन्नाथ, जगत के कर्ता सिंहासन के ऊपर बैठे हैं श्री क्षेत्र में। आगे वर्णना करते हुए कहते हैं, जिन्न जे पत्नी अंगे पाऊ अच्छी शोभा, नित्य जे किशोरी राधा तांक अंगे आभा, अर्थ पत्नी के अंग में शोभा पाते हैं, लक्ष्मी जी के अंग में जगन्नाथ जी शोभा पाते हैं, और उनके अंग के अंदर ही नित्य किशोरी अर्थ राधा रानी अवस्थित है, निवास करते हैं। ऐसा मैं नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं स्वयं अर्जुन को। दोस्तों, अभी आपके मन में प्रश्न आता है तो कल्कि कौन है? अगर सब एक ही हैं, एक ही स्थान से निर्माण होते हैं, अर्थ जगन्नाथ जी से ही निर्माण होते हैं, सृष्टि होते हैं, तो कल्कि जी कौन हैं? और एक ग्रंथ में नज़र डालते हैं, ग्रंथ का नाम है गुरु भक्ति गीता। उसमें गुरुदेव कहते हैं, तुम भो बाजोणा जे गायण सुनी संतोषन उपजाण, चतनी कृष्ण जिन साड़ी अवश्य राजा है बोलोड़ी, अर्थ हे प्रभु, तुम्हारा भजन जो गाएगा वो संतोष में रहेगा, हमेशा संतोष में रहेगा, और खुद आप गुप्त रूप से राजा बनेंगे। आगे गुरुदेव कहते हैं, प्रसिद्ध पणे बसी थिब देउळ द्वारे गाइब, प्रताप राजा वैष्णव प्रछिन्न करी ठाबो देव, अर्थ बहुत ही फेमस लोगों के साथ बैठा होगा और एक प्रतापी राजा बनेंगे, एक वैष्णव राजा बनेंगे, स्थान स्थान में उनका प्रताप प्रकाश होगा। आगे गुरुदेव वर्णना करते हुए कहते हैं, श्री जगन्नाथ किछी दिन लीला करिबे सही स्थान, देउळ उभयण जीवे पुणी कलंकी रूप हेबे, अर्थ श्री जगन्नाथ स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ कुछ दिन गायब हो जाएंगे, छुट्टी पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल्कि आने वाले हैं, उसी जगन्नाथ रूप से कल्कि अवतार निकले हैं, और जब कल्कि अवतार राजा बनेंगे तो जगन्नाथ जी कुछ दिन के लिए क्षेत्र से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, ये सब महागुप्त बातें हैं और कुछ ही लोगों को ये समझ में आती है मैं जो कहता हूँ, बाकी तर्क में अपना समय ही गवा देते हैं। मैं एक चीज आप लोग को स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर इतनी महागुप्त बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो आपको भी अकेले में सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति इतने गुप्त चीजें क्यों कह रहा है, भला 600 साल तक गुप्त रही ये ज्ञान अभी क्यों कह रहा है, अभी कौन सा समय चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपके आशीर्वाद से मैं ये संकल्पबद्ध हूँ कि भक्तों को उद्धार
करवा के ही रहूंगा। मालिका का जो ज्ञान इतने सालों तक गुप्त रहा उसको प्रकाश करूंगा और भक्तों को भक्ति का मार्ग फिर से चेतना देने के लिए उस गुरु की 185,000 ग्रंथों पे जरूर नजर डालूंगा और उनको ट्रांसलेट करके भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपका एक कर्म है जो कि अत्यंत आवश्यक है, सुनने के बाद मालिका का ज्ञान सुनने के बाद चुप मत रहिए, मौन मत रहिए, इन बातों को सटीक जगह पे पहुंचाइए, चर्चा कीजिए और आने वाले युग का जो संस्थापना का प्रोसीजर है आरंभ कीजिए। अपने परिवार से ही आरंभ कीजिए, क्योंकि जो बीज है वो अपने परिवार से ही आरंभ होता है, घर का जो नींव है वो अपने परिवार से ही आरंभ होता है। तो ये तीन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। बलभद्र जी जो कि खुद अनंत है, शेष नाग है, और सुभद्रा जी जो कि माता महामाया, खुद द क्रिएटर ऑफ द कॉस्मोस, द मदर जो कि सबका माँ है, और तीसरा जगन्नाथ निराकार परम ब्रह्म स्वयं विष्णु। इन तीनों को अगर आप समझ लेते हो तो आपको कोई भय नहीं आएगा इस प्रलय के समय में। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।